इस वीडियो में हमने देखा रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एप्सिलॉन एनएफए में। वीडियो में हम मेथड पढ़ेंगे कि किस मेथड के थ्रू हम फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, रेगुलर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट किया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा को हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है यूजिंग आर्डेंस थ्योरम। मतलब यहाँ पर कन्वर्जन के लिए हमें आर्डेंस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। और आर्डेंस थ्योरम क्या कहता है, इफ पी एंड क्यू आर टू रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर अल्फाबेट सिग्मा एंड इफ पी डस नॉट कंटेन एप्सिलॉन। ये चीज याद रखनी है, दो एक्सप्रेशन, दो रेगुलर एक्सप्रेशन है पी एंड क्यू, और पी में एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। देन फॉलोइंग इक्वेशन इन आर गिवन बाय आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। आर्डेंस थ्योरम क्या कहता है, अगर पी एंड क्यू दो रेगुलर एक्सप्रेशन है और पी के अंदर एप्सिलॉन नहीं है, तो उस केस में अगर हमारे पास ये इक्वेशन है आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, तो इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। ये याद रखनी है, ये इक्वेशन आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी और उसका यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। और आर्डेंस थ्योरम का हम कहाँ यूज करेंगे, टू कन्वर्ट फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी का जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, क्यू पी स्टार। तो उसका हमें प्रूफ भी बताना पड़ता है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, हम क्या करेंगे, सब्सिट्यूट वैल्यू ऑफ आर इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन। यहाँ पर जो आर है, आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्यू प्लस आर पी। तो इस आर की जगह हमने ये पुट कर दिया क्यू प्लस आर पी। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर क्यू प्लस आर पी है तो इसको ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू पी प्लस आर पी इंटू पी, तो ये हो जाएगा आर पी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब अगेन क्या करो, फिर से आर यहाँ पर है, आर की वैल्यू फिर से राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन टू सब्सिट्यूट करो। तो इस आर की जगह हमने फिर से पुट कर दिया आर प्लस क्यू पी, और ये पी स्क्वायर एज इट रहेगा। अब इसको फिर से ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस आर पी क्यूब। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो इस टाइप से अगर हम वैल्यू ऑफ आर सब्सिट्यूट कर जाएंगे तो हमें एक टाइम में एक इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी, क्यू क्यू पी, क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी क्यूब, क्यू पी फोर, अप टू कहाँ तक, यहाँ पर ये टू तक गई थी और पी की पावर थ्री था। तो अगर आर पी की पावर एन प्लस वन है, पी की पावर एन प्लस वन है, आर इंटू पी की पावर एन है, तो Q के साथ जो P है वो कहाँ तक जाएगा, N तक। तो यहाँ पर देखें, तो जब R के साथ जो P की पावर है, जब ये 2 थी, तो Q के साथ जो P है, Q के साथ जो P था उसकी पावर क्या थी, 1। अब यहाँ पर देखो P की पावर 3 है, तो यहाँ P की पावर 2 है। तो अगर हम N प्लस 1 ले लें R इंटू P की पावर N प्लस 1 प्लस 1, तो Q के साथ जो P होगा वो क्या होगा, एक कम, यानी Q इंटू P की पावर N। तो ये सीरीज चलती जाएगी, क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू प्लस क्यू पी फोर अप टू क्यू टू दी पावर क्यू इंटू पी टू दी पावर एन प्लस प्लस आर कॉन्केटिनेट विथ पी टू दी पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। इसमें से अगर हम क्यू कॉमन ले लें, तो क्यू कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा एप्सिलॉन, यहाँ बचेगा पी, यहाँ बचेगा पी स्क्वायर, फिर पी क्यूब अप टू पी टू दी पावर एन, और ये आर कॉन्केटिनेट विथ पी एन पी टू दी पावर एन प्लस वन को एज इट इज लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर आर की जगह क्या सब्सिट्यूट करेंगे, क्यू पी स्टार। तो सब्सिट्यूट वैल्यू ऑफ क्यू पी स्टार इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थ्री, क्योंकि आर्डेंस थ्योरम क्या कहता है कि आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, क्यू पी स्टार। तो अब आर की जगह हम क्यू प्लस आर पी नहीं सब्सिट्यूट कर रहे हैं, क्या सब्सिट्यूट कर रहे हैं, क्यू डॉट पी स्टार। इसकी जगह हमने पुट कर दिया आर की जगह क्यू डॉट पी स्टार, और पी एन पी टू दी पावर एन प्लस वन तो वैसा ही था। अब यहाँ पर भी क्यू आ गया, तो यहाँ से भी अगर हम क्यू कॉमन ले लें, तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन पी पी प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू अप टू पी टू दी पावर एन प्लस पी स्टार इंटू पी पी स्टार डॉट पी टू दी पावर एन प्लस वन। तो ये जो सीरीज है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पी स्टार को, क्योंकि ये देखो रिप्रेजेंट कर रहा है एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ
एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी रहेगा, और जब भी एप्सिलॉन के साथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रहता है कुछ भी तो वो क्या हो जाता है, पी स्टार। तो ये क्यू एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा पी स्टार। तो हमें आर क्या मिल गया, आर इक्वल्स टू क्यू डॉट पी स्टार। तो हमने प्रूफ कर दिया कि आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी का जो यूनिक सॉल्यूशन है वो क्या होगा, क्यू डॉट पी स्टार।